आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। वो जनता का प्यार और स्नेह है, और जिस जनता ने हमें जौनपुर बुलाया है और जो प्यार और स्नेह देकर हमें इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना दल निषाद पार्टी की मिलीजुली सरकार बनाए हैं, और यहाँ मंत्री बनने के बाद मैं जौनपुर की जनता को अभिवादन करने आया हूँ कि निषाद पार्टी का एक सीट सागन जो ऐतिहासिक सीट था उसे विजय श्री दिलाया हो, और उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है अपने मछुआ समुदाय के लिए, विशेषकर बाकी सभी जातियों के लिए तो चिंता किया ही मोदी जी योगी जी ने, कोई ऐसी जाति धर्म वर्ग नहीं बचा है जिसके लिए मोदी जी चिंता न करते, उनके लिए योजनाओं को लाभ नहीं देते हैं। लेकिन विशेषकर हमारे जो मछुआ समुदाय है, ये सदियों से जो अंग्रेज़ों ने उजाड़ा था, मुगलों ने उजाड़ा था, अब पिछली सरकारों ने गलत नीतियाँ बनाकर ऐसे पट्टे ऐसे शासनादेश जारी किया था कि हमारे लोग उलझ कर 70 साल से मर रहे थे। आज मोदी जी के आने पर ही उभर रहे हैं। पहली बार है मत्स्य मंत्रालय अलग किया दिल्ली में, 20,000 करोड़ रुपया मत्स्य मंत्रालय से अनुदान दिया, और एक निर्देश जारी किया कि मछुआ समुदाय को व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, पेशा को आगे बढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए पैसे चाहिए, और इनको अनुदान दो और ज्ञान दो, अब मछुआ समुदाय का थोड़ा सा अंशदान हो। तो आज उत्तर प्रदेश में भी मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे हमें कैबिनेट मंत्री बना के दिया। मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, जिस समुदाय का मैं संघर्ष कर रहा था उस समुदाय को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से जोड़ने के लिए, उन्हें भी हक हिस्सा मिल सके उसके लिए हमें मंत्री बनाया है। मैं उन्हें उनके लिए क्या किया हूँ, आज उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का 9,000 करोड़ रुपया तो उत्तर इनलैंड के लिए था ही, और उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, और पहली बार बता दूं कि पहली बार है कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना किया कि इनके भी बच्चे पढ़ लें, इनके बच्चे भी ISPCS बन लें, इनके भी गरीबों का इलाज करा सकूँ, इनका भी कुछ झोपड़ी से इनका भी इनके बच्चियों की शादी कर, जो भी इनको दैविक आपदा हो या कोई भी समस्याएं हो इनके सॉल्व के लिए 25 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलाट किया है। आज के दिन में पहली तारीख से एक पोर्टल चल रहा है और 31 जुलाई तक चलेगा। इनको हम अपील करने आए हूँ कि अभी तक एक क्षेत्र में आए तक जिसके पास खेत है, बारी है, वही पोखरा खोद कर मछली पाल सकता है, लेकिन उस तस्लीम को छोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है भाई, मछुआरों का तो जमीन